बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दो जी, हम आ गए अपने खेतों में। पिछली वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि आज लगना है पानी खेतों को, तो कोई फर्टिलाइज़र प्लान भी है उसमें। ये देखें, इधर नहर से आता है पानी, वो जो दरख्त दूर नज़र आ रहे हैं उधर नहर है, नहर से पानी आता है। और ये पाकिस्तान में, पंजाब में हमारे आबपाशी का सिस्टम है इस तरह। ये ट्यूबवेल भी लगा हुआ है, जब नहर का पानी ना हो उसके अलावा ज़रूरत हो तो ये ट्यूबवेल चलाते हैं हम ट्रैक्टर के साथ। और ये वाली फसल जो है, मैं आपको दिखाता चलूँ, ये है मकई की फसल, वो पीछे है आमों का बाग, और ये है अपनी ज़मीन। इसमें ये वाला लगा हुआ है गन्ना, ये बीज रखा हुआ है गन्ने का, आगे दूसरी खेत में करेंगे हम इसको ट्रांसफ़र जब खेत फ्री हो जाएगा। तो ये वाली है मकई की फसल, ये पानी जा रहा है। ये वाला अभी इब्तदाई मराहल में है कपास काटन की काश्त, ये बारिशों की वजह से ना कुछ अभी ज़्यादा नहीं ग्रो किया, अभी इसको स्प्रे वगैरह करेंगे। जैसे गर्मी होगी, गर्मी के मौसम में ये ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है कपास काटन। ये मकई की फसल है। अब चलते हैं हम अपने, जिधर फर्टिलाइज़र कर रहे हैं फ्लड पानी में, उसकी तरफ। तो ये वाले ऐसे फलों के दरख्त वगैरह लगे होते हैं, ये अमरूद का दरख्त है ऐसे, ये देखें ये वाला, ऐसे अमरूद के दरख्त, ये फल पक के नीचे गिरा हुआ है। और ये वाला है कमाद की फसल है, ये दूसरे साल की फसल है, पहले ऊपर से काट लेते हैं उसके बाद ये दोबारा उसी की जड़ों से दोबारा निकल आता है। ठीक है, ये फर्टिलाइज़र फ्लड हो रहा है। ये कीनू का दरख्त है, इसका मौसम अभी चला गया है। ये वाले शामिल किए हैं इस ड्राम में, साथ में ये अब इधर से ऐसे इसको छोड़ के पानी में फ्लड हो जाता है, ऐसे मिक्स होके ये आगे चला जाता है खेत में। ये सामने जो बाग नज़र आ रहे हैं, ये वाले ये कीनू के बाग हैं, और बड़े बूटे जो हैं इसमें दरख्त वो हैं आम के। ये इधर से पानी फिर आगे इस खेत में जा रहा है, ये भी मकई की फसल है, माशाल्लाह अच्छी फसल है, हरा भरा पाकिस्तान और बहुत अच्छा मौसम।